तो वही वह लड़का कहता है, हाँ हाँ वास्तव में ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर शायद सबसे ज्यादा नाई सैम वैम हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी के फाइटिंग स्टाइल और फाइटिंग लेवल बहुत ज्यादा अलग था, इसलिए यहाँ पर एक अलग स्टेज भी बनाया गया है। और यहाँ पर केवल टोटल 3 स्टेजेस हैं, लेकिन अब आपके लिए ये 2 मैच जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, लेकिन अब आप यहाँ पर एक दाव लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको एक अच्छी सी रकम लगानी होगी ताकि यहाँ पर कोई भी लड़ाकू उस दाव को लड़कर यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, क्या दाव? चलो ये ठीक है, एक काम करता हूँ कि तब यहाँ पर मैं 5,500 इथर सिक्कों का दाव लगाता हूँ। क्या 5,500? ये क्या है? आखिरकार आप ब्लैक आई करना क्या चाहते हैं? यहाँ पर आपको पता है कि ये 5,500 इथर सिक्के तो किसी के कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी को भी यहाँ पर कभी भी ये मिल सकते हैं। आखिरकार आपको क्या लगता है कि इन चीजों के लिए यहाँ पर कोई आपसे लड़ने के लिए आगे आ सकता है? यहाँ पर वो लड़का उत्सुक कहता है और उसी साथ में वो यहाँ पर ब्लैक आई को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। यार ये कैसा लड़ाकू है भाई, इतने समय पहले तो इसके पास में इतने सारे पैसे थे, वो सभी कहाँ पर चले गए? ये तो नहीं कि इसने यहाँ पर सब कुछ उड़ा दिया हो। अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो मेरे से तो गोलियां लेकर गए थे 1,00,000 की। वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा ही पैसे उड़ाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कम से कम 50,000 का दाव लगाना होगा, उसके साथ में आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारी यहाँ पर चुनौती स्वीकार करता हूँ। इसके साथ में एक लड़का और एक लड़की आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। लड़के के हाथ के अंदर तलवार थी और लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वह कोई और नहीं थे, वह दोनों आरुष और आयशा थे। तो वही विपिन उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है, क्या आप दोनों में से एक जना करेगा? चलो ठीक है, ये बताओ कि आप दोनों का दाव क्या है, विपिन उससे पूछता है। तो वही दूसरी तरफ वह कहता है, हम लोग यहाँ पर 1,00,000 का दाव लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर वो लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है, जिसका नाम यहाँ पर बहता पानी के नाम से था। तो वही दूसरी तरफ, क्या 1,00,000? ये ठीक है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़का कहता है, अरे तुम्हारे पास में 1,00,000 इधर कोइन तो है ना, कहाँ पर तुम्हारे पास में हो नहीं और आ गए यहाँ पर दाव लगाने के लिए? यहाँ पर वह लड़का विपिन से कहता है। तो वही वो कहता है, अरे अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे मेरी वो बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ तुमसे कि क्या तुम मेरे को वो दे सकते हो या नहीं दे सकते, हार वार का तुम मेरे ऊपर अभी इंजाम मत लगाओ। विपिन यहाँ पर अब सीधे है ना उसको उकसाने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो सामने वाला बंदा है ना उसको वो पहचान चुका था, उसके अंदर तलवार देखकर यहाँ पर वो पहचान गया था कि जो पहले नॉर्मल बंदे आए थे ना वो 3 वह इसकी टीम के थे। और उसके साथ में बता सकता था कि ये जो सोर्ड पवेलियन है जो इस समय यहाँ पर आया हुआ है ये उसी की टीम के अंदर से होगा। तो वही अब यहाँ पर विपिन अपना दाव चलता है और कहता है, यार चलो छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर तुम फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके अलावा मैंने पहले यहाँ पर तुम्हारे वो 3 दोस्तों को देख लिया था, अरे बिल्कुल बेकार थे वो, फालतू में यहाँ पर मैं उनके साथ में लड़ना वरना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आकर मुंह उठाकर मुझे लगता है तुम भी उसकी जैसे कुछ होने वाले हो, इसी वजह से अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि मैं तुम्हारे साथ में लड़ सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह लड़की आगे बढ़ती है और कहती है, हे लड़के तुम्हारी इतनी औकात कहाँ से हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे सीनियर के साथ में ऐसे बातें की? तो वहीं आरुष उसको वहीं पर ही रोक देता है, वह कहता है, बस बहुत हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर मेरी भी एक शर्त है। देखो अगर मैं हारा तो यहाँ पर ये 1,00,000 इथर सिक्के तुम्हारे हुए, लेकिन अगर मैं जीता तो उसके बाद में तुम्हें मेरे साथ में सोर्ड पवेलियन के अंदर जाना होगा और वहां जाकर कहना होगा कि यहाँ पर मेरी औकात नहीं है सोर्ड पवेलियन के साथ में लड़ने की। इसके अलावा सभी को ये बताना होगा कि सोर्ड पवेलियन मेरे से बहुत ज्यादा बेस्ट है, यहाँ पर वह उससे कहने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो आरुष था ना वह भी सोर्ड पवेलियन का पूरा बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि इस बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भाई आखिरकार यहाँ पर वह किस तरह से सोर्ड पवेलियन को ललकार सकता है। तो वह विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं भी तैयार हूँ, वैसे भी ये बंदा क्या हार बार लगा रखा है, अरे मैं हारूंगा या तुमसे, तुम तो मेरे सामने बच्चे हो, और इसके अलावा आज तक मैंने कहीं पे सुना नहीं कि यहाँ पर विपिन द बॉस यहाँ पर हारा होगा। उसके साथ में वो दोनों अब स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और जब वो रिंग के अंदर घुसते हैं तो उसके साथ में ही, अरे अरे सब सुनो यहाँ पर ब्लैक आई वापस आ गया है। क्या ब्लैक आई आ गया है? अचानक से जैसे विपिन उस जगह पर घुसता है तो उसके साथ में भीड़ के अंदर हड़कंप मच जाता है। अरे भाई विपिन तूने तो यहाँ पर सभी के दिलों को जीत कर रखा हुआ है, जिसे तूने मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर जीता हुआ था, वास्तव में अब यहाँ पर अजोर का क्या होने वाला है? जल्दी करो उन सभी मूर्खों को बुलाकर लाओ, पता नहीं वो कहाँ पर है, कहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पर बुलाओ उन सभी को कि ब्लैक आई आ गया है, ब्लैक आई की फाइट देखनी है।
अरे वो लड़का कौन है जो भी ब्लैक आई के साथ में लड़ रहा है? अरे उसका नाम तो बिल्कुल अजीब सा है, बहता पानी। यार ये बहकर कहाँ पर चला जाएगा? ओ भाई बहते पानी बह मत जाना। लेकिन उसके साथ में एक कहता है, अरे अरे वो देखो वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये देखी देखी सी लग रही है। एंजल? ये एंजल तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी है ना, वहाँ पर वह कहता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जैसे वह शब्द कहे जाते हैं ना, तो विपिन के कान खड़े हो जाते हैं। क्या सिटी लॉर्ड की बेटी यानी कि आयशा? ये आयशा है। विपिन के मुंह के ऊपर एक जोरदार सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर ये सिटी लॉर्ड की बेटी है आयशा, तो इसका मतलब वो लड़का आरुष है। मैंने पहले अंदाजा तो लगा लिया था कि ये सोर्ड पवेलियन के अंदर से है, लेकिन ये शायद वास्तव में आरुष ही हो सकता है। बहुत अच्छा, वास्तव में इतना ज्यादा अच्छा मौका मेरे साथ मिल सकता है। आखिरकार मैं तो यहाँ पे केवल स्टोरेज रिंग लेने के लिए आया था, लेकिन अब तो मुझे बहुत सी चीजें मिल सकती है। उसके साथ में अब जैसे विपिन अंदर घुसने लगता है ना, कि अगले पल यहाँ पर वह सीधा आयशा की तरफ पलटता है और उसकी तरफ जाने लगता है, और अगले पल उसके ऊपर जाकर हाथ रख देता है। तो वहीं दूसरी तरफ, हे तुम कमीने, ये क्या कर रहे हो? आखिरकार पब्लिक के सामने ऐसी सब की हरकतें करनी चाहिए क्या तुम्हें? यहाँ पर आयशा पूरी तरह से उसको पीछे धक्के हुए कहती है। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे नहीं रे, बात कुछ ऐसी कि इतनी ज्यादा नाजुक कली को यहाँ पर अगर मच्छर खा गया ना, तो यहाँ पर मच्छर भी मर जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ, अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पर तुम्हारा सर मच्छर होगा। आखिरकार अभी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के अंदर है, तो हम कैसे यहाँ पर मच्छर आ सकते हैं? हमारी चेतना यहाँ पर है, क्या मच्छर की चेतना भी यहाँ पर आ सकती है? आयशा इस जगह पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी वहाँ पर सामने वाले ब्लैक आई के मूव के साथ में, कि वो बहुत ज्यादा तेज तेजी से हाँपने लगी थी। इसी वजह से जो उसके विचार थे ना, वो ऊपर नीचे होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने आखिरकार आयशा के ऊपर एक किताब बना ही ली थी, और अब उसको वास्तव में पता चल गया था कि सामने वाला कोई और नहीं था कि वो आयशा ही थी। जब उसने ये पुष्टि कर ली थी, तो उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। वह यहाँ पर रुकता है और कहता है, आरुष भाई रुको यार, आखिरकार तुम कहाँ पर आगे जा रहे हो बहते पानी वाले भाई? एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ बातें करनी है। तो वहीं बहता पानी कहता है, अबे अब क्या बातें करनी है तुम्हें, बताओ आखिरकार अब क्या है? तो वहीं विपिन कहता है, हाँ देखो यार, बात कुछ ऐसी कि वो लड़की है ना, उसने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी और बहुत ज़्यादा अपमान किया है। इसी वजह से यहाँ पर है ना, मेरे अंदर से सारा का सारी चीजें चली गई है। इसी वजह से यहाँ पर जब मैं जीतू ना, तो मुझे 1,00,000 इतर सिक्के और उसके साथ में मुझे वह लड़की अपनी नौकरानी के रूप में चाहिए। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में, हे तुम अपनी लिमिट्स में रहो। वहां पर जो आयशा का चेहरा था वह गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वास्तव में अभी कुछ ज्यादा नहीं हो गया था, अरे वह सिटी लॉर्ड की बेटी यानी प्रिंसेस थी, तो आखिरकार कैसे उसके ऊपर एक दाव लगाया जा सकता था? ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक शर्त थी। आखिरकार वो कैसे एक नौकरानी बन सकती थी जिसको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से बड़े लाड़ प्यार के साथ में रखा गया था? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामने वाला लड़का होता है वो कहता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पर ये सारा निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ, और ये अधिकार से बाहर है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ क्या आप नहीं लड़ना चाहते? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आप मेरे से लड़ना वड़ना चाहेंगे, और इसके अलावा वैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत कम हो गई है। जब मैंने इस लड़की की मुझसे है ना वह 3 शब्द सुने, वास्तव में मेरा दिल टूट गया है। लेकिन क्या आप वास्तव में अभी तक भी मेरे से लड़ना चाहेंगे? क्या आपको शर्म नहीं आएगी कि आप किसी कमजोर के ऊपर इस तरह से हाथापाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा जुल्म उठा रहे हैं? आखिरकार आपको किसी और की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए? हे भगवान, आजकल इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग आ गए हैं। आप तो शायद सोर्ड पवेलियन के अंदर से है ना? विपिन यहाँ पर अभी सामने वाले खड़े हुए आरुष की तरफ अंगुली करते हुए कहता है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर आरुष पूरी तरह से गुस्से से लाल हो जाता है। अबे ये कमीना ऐसी बातें कैसे कर सकता है? यहाँ पर वो उस लड़के के लिए अपने आप को कमजोर बताने लगा। हे भाई, आखिरकार इतना ज्यादा बेशर्म इंसान आ कहाँ से गया? अगर मुझे यहाँ पर मौका मिलता ना, तो मैं भी इसको यहीं पर ही पिचका देता। तो वही दूसरी तरफ, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में केवल इस लड़की की वजह से तुम्हारी ताकत चली गई है? तो वहीं दूसरी तरफ, सीनियर आपको उसकी बातों के ऊपर नहीं आना चाहिए, वह आपको केवल उकसा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आयशा थी ना, वो डरने लगी थी जब उसने देखा कि यहाँ पर सामने खड़ा हुआ बंदा जो उसका सीनियर आरुष था, वह किस तरह से अभी उसके बारे में दोबारा सोच रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, तुम चुप रहो, और इसके अलावा यहाँ पर क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि यहाँ पर मैं उस कमीने को हरा दूंगा?
तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आंखों के अंदर अंगारे जल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी आखिरकार यहाँ पर सही जगह पर निशाना लगा चुका था। मुझे पता था कि इन सभी को गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है और यही मैंने लिए अच्छा था। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा कहती है, अरे अरे मुझे पता है कि आप आराम से इसको हरा देंगे, चलिए ठीक है मैं तैयार हूँ, वहाँ पर वो कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ वह दोनों अब अपने सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर वो कहता है, चलो ठीक है दोस्त, अब तुम अपनी तलवार बाहर निकाल लो, और इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार को उछालने में बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी वो तलवार कला देखनी है कि आखिरकार वह कैसी है। तो विपिन यहाँ पर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके साथ विपिन बस एक तलवार को अपनी तरफ बुला लेता है और जल्द ही एक तलवार उसकी तरफ आ जाती है। एल्डर एल्डर एल्डर, अरे आप कहाँ पर है एल्डर, कहाँ पर मर गए एल्डर। वहाँ पर दूसरी तरफ जो सिटी लॉर्ड पैलेस था उसके अंदर अभी कुछ पागल बेवकूफ उड़ते हुए जा रहे थे और अपने आसपास में किसी को ढूंढ रहे थे। एल्डर अक्से क्या आप यहाँ पर हैं, जल्दी चलिए जल्दी, यहाँ पर ब्लैक आए वहाँ पर इथर होल के अंदर आ चुका है। क्या ब्लैक आ गया है, हाँ चलो चलो ठीक है हम भी वहाँ पर चलते हैं। जल्दी वो सभी अब इथर होल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं सभी तरफ यहाँ पर जयकारे लग रहे थे, अरे अरे बहता पानी वहाँ पर अभी ब्लैक आय से लड़ाई करने जा रहा है, चलो सभी वहीं पर चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या बहता पानी, ये तो क्या हमारा सीनियर वीनियर तो नहीं है। तो उनकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। क्या यहाँ पर वो भी आ रहा है, क्या आरोस भी यहाँ पर आ चुका है। अचानक से जैसे अक्षय ने वो बात सुनी तो उसके साथ में वो हैरान हो चुका था। ओ मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम सभी का बदला लेना जा रहा है, आखिरकार तुम सभी तो नालायक हो, तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, अब तुम्हारा वो सीनियर कुछ कर सकता है। तो वो कहते हैं, हमें माफ करिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया था। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है चलो जल्दी से, हमें यहाँ पर अपनी नाक को कटने से बचाना है, हमें वो मैच देखना होगा कि ब्लैक आए वर्सेस यहाँ पर हमारा बहता पानी क्या ही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जोर जोर से जयकारे लगना शुरू हो जाते हैं। जब वह उस रिंग के पास में पहुंचते हैं, हाँ मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर ने है ना, उन्होंने यहाँ पर उनको हरा दिया है, मुझे लगता है ब्लैक आय का यहाँ पर खात्मा हो गया है। उसके साथ वो भीड़ को साइड में हटाते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। हालांकि जब वो अंदर जाते हैं, ये क्या है, उनकी आंखें फड़फड़ाने लगती है, उनका मुंह फड़फड़ाने लगता है और उनकी बॉडी भी यहाँ पर चढ़चढ़ाने लगती है। ये नहीं हो सकता है। वही उन्होंने सबने अपने सामने देखा ना, तो उन्होंने पाया कि एक बंदा था जिसके सर के अंदर तलवार गड़ी हुई थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के 100 से 1000 टुकड़े हो जाएंगे। जहाँ पर उसके शरीर 100 से 1000 से टुकड़े हो रहे थे ना, तो वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो रहा था। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा सपोर्ट करो अपने चैनल को, जल्दी हम लोग यहाँ पर है ना सब्सक्राइबर्स को गेन करें। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड नंबर 0 देखता है तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है ना टेलीग्राम पे बहुत से चैनल्स भी हैं जहाँ जाकर हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। उन सभी को ये कहना कि अगर आप पॉकेट एफएम के आगे इस एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो उनको ऐसे बोल देना कि कम से कम 1900 या 1800 के आसपास में उनको एपिसोड्स मिल जाएंगे, 1600 या 1800 की समथिंग है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।